अब तक आपने क्या फैसला, क्या आपने शरद पवार को छोड़ दिया या आपके लिए क्या फैसला? मैंने ना तो पवार साहब को छोड़ा है, ना ही पार्टी को छोड़ा है और ना ही किसी और पार्टी को। सवाल ही पैदा नहीं होता, जब मैंने मेरी पार्टी नहीं छोड़ी तो मैं किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लूं। ये पता नहीं कौन ये अफवाहें फैला रहा है। मैंने अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा है और ना ही अजीत पवार जी की पार्टी में मैं गई हूँ। क्या ऐसी वजह है कि अचानक से चर्चा सामने आ रही है? क्या वजह है कि आपके, हालांकि शर्मा भी, नीरज शर्मा भी कल उन्होंने अजीत पवार को ज्वाइन किया, क्या वजह रही कि अब एक के बाद एक लोग छोड़ के जा रहे हैं? वजह मैं तो क्या बताऊं, वजह तो सुप्रिया ताई को सोचनी चाहिए कि ऐसी क्या वजह है जो साहब से सालों साल दशकों से जुड़े हुए हैं, कई कई दो दो तीन तीन दशकों से साहब से जुड़ के काम कर रहे हैं, वो लोग आज इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है सुप्रिया ताई को सोचने की जरूरत है, या उनके आसपास ऐसा क्या वातावरण निर्माण किया जा रहा है कि ये सारे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए। क्या पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है? नहीं है। नहीं, अब जब हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो साहब के एकनिष्ठ लोग हैं वो लोग ये निर्णय ले रहे हैं, तो क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है? इसका मेन कारण क्या है? क्या कौन है ऐसा जो कौन लीडर है जो तकलीफ दे रहा है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं पा रहे क्या? नहीं, हमारा तकलीफ किसी और लीडर से नहीं है, हमारी तकलीफ सुप्रिया ताई से है। सुप्रिया ताई, देखिए मैं इस बात पे डिटेल्ड अगर मैं डेप जाऊंगी तो चीजें बहुत लंबी खिंच जाएंगी। बात सीधी बात ये है कि अब हमारा बस हुआ है, अब हमने जो हम सिचुएशन को रोज किसी चीज को जब आप बहुत दबाते रहते हो वो एकदम फट जाती है, तो आज वही शायद सिचुएशन है। आज हमारा बस हो गया, आज हम फट गए। पवार साहब से बात की थी, पवार साहब ने अंडरस्टैंड भी किया था कि क्या सिचुएशन है। 22 तारीख को ये बात हुई थी, पवार साहब ने बोला था हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन अगले ही दिन मुझे फोन आता है सुप्रिया ताई का और कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि भाई फिर तो ये हो गया, भाई राम राम करो और अपने घर बैठो, भाई किसी और पार्टी में जाने आने की बात नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ मैं अपने घर ही बैठ रही हूँ फिलहाल, बाद में देखेंगे राजनीति, बाद में देखेंगे पॉलिटिकल करियर, ये वो, फिलहाल सिचुएशन ही नहीं है कि कोई काम करने दे। काम करने से रोका जा रहा है? बिल्कुल साफ साफ, जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, जब किसी की तरफ से देखिए सेल्फी डाल देने से, सोशल मीडिया पे फोटो डाल देने से पार्टी नहीं चलती है, पार्टी को पार्टी के तरीके से चलाना पड़ता है। और ये बात ताई को और उनके आसपास के लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कुछ लोगों से जो लीडर्स हैं वो लीडर कुछ ऐसे लोगों से नहीं चलेंगे जो लीडर्स नहीं है। हालांकि अब देखा जाए शरद पवार के बाद ताई है जो एनसीपी पार्टी को चलाएंगे, अगर वो रहेंगे क्या आप लोग बरकरार पार्टी में रहेंगे? नहीं, मैं ये पार्टी छोड़ रही हूँ और पूरी जिम्मेवारी से कह के छोड़ रही हूँ कि मैं सुप्रिया ताई की वजह से ये पार्टी छोड़ रही हूँ, या धीरज शर्मा ने पार्टी छोड़ी है तो सुप्रिया ताई की वजह से छोड़ी है, हम दोनों ने ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ ताई की वजह से छोड़ी है। आपके साथ और ऐसे कितने लोग हैं जो पार्टी छोड़ रहे हैं? बहुत सारे लोगों ने छोड़ी है, बहुत सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स गए हैं, मैंने तो किसी को वो नहीं किया, मैं शांति से अपना इस्तीफा दे के, या आज शायद निकाल ही देंगे, उसके बाद शांति से अपने घर बैठूंगी, ना मैं किसी से छुड़वा रही हूँ ना मैं बात करूंगी। लेकिन धीरज शर्मा जी के साथ बहुत सारे लोग गए हैं उस तरफ, उनके भी यही रीजंस हैं। कभी आज तक सुधबुद्ध ही नहीं ली गई है किसी की फोन करके कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फोन तक भी नहीं किया गया है। मिलके तो सुधबुद्ध लेंगे क्या किसी की? इस प्रकार से अजीत पवार की पार्टी में कई वरिष्ठ नेता गए हैं, क्या यही कारण है कि पार्टी में जो दूसरे से सम्मेलन होना चाहिए बात करी वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग अजीत पवार को या बाकी अन्य पार्टी में शामिल? मुझे लोगों का मालूम नहीं, मुझे जी जी मुझे नहीं मालूम बाकी लोगों का क्या मत है, क्या है कि उनका कोई ईडीआई का केस है, सीबीआई का है, या कोई और रीजन है, कोई लालच है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा ऐसा कोई रीजन नहीं है, मेरा रीजन सिर्फ और सिर्फ सुप्रिया ताई है, और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह रही हूँ। और धीरज शर्मा का भी रीजन सिर्फ और सिर्फ वो है, जब तक साहब के एकनिष्ठ लोग साहब सारी चीजें संभाल रहे थे, सब संभाल रहे थे, सब अच्छा चल रहा था, अचानक सब क्यों खराब हुआ, सोचने की बात है। अब आगे किस प्रकार से आपके लाइफ रहेगी? हालांकि आप कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ रही, अब पार्टी में ही काम करेंगे, तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, किस प्रकार का पॉलिटिकल? मेरी फिलहाल कोई रणनीति नहीं है, देखिए मैं किसी खुशी में ये निर्णय नहीं ले रही हूँ, जब बिल्कुल हद हो गई तब मैंने ये निर्णय लिया है। और आगे का प्लानिंग आप तब कर चुके होते हो जब आप बहुत दिनों से ये बात सोच रहे हो, मुझे ना सोचने का समय मिला है, ना मैंने ऐसा कोई सोचा है कि मैंने इसके बाद इधर ये करना है या उधर ये करना है, हमने पवार साहब के बाहर कभी सोचा ही नहीं, लेकिन अब हमें मजबूर कर दिया गया है कि हम घर बैठ जाएं।